नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता GS टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं जो कल एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, 26 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, जो कल पूछे गए सवाल थे वो मैं लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, ये जबरदस्त एनालिसिस रहेगा और एक एक सवाल आपके लिए सटीक है। वीडियो को पूरा अंदर देखिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला सवाल है कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है। तो दंडकारण्य का जो पठार है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में है दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट है कि विश्व की व्यस्तम नहर कौन सी है। तो विश्व की व्यस्तम नहर है कील नहर। कौन सी है? कील नहर जो है ये विश्व की व्यस्तम नहर है। नेक्स्ट है कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो ये रानी रामपाल जो है दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर करिए। ठीक है, उसके बाद मैं PDF आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो याद रखिएगा कि रानी रामपाल जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि किस शासक ने दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 6 नंबर कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूसी ब्रॉन्ज किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिए कि लूसी ब्रॉन्ज जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सवाल पूछा था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना है ये ज्योतिबा फुले ने किए थे। किसने किए थे? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या पूछा था। देखिए सवाल है आपके सामने दोस्तों, सवाल है कि 9 नंबर सवाल कि जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये बिलियार्ड से संबंधित है। याद रखिएगा कि जिगर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो बिलियार्ड से। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्वकर्ता कौन शासक थे। वो था दोस्तों ताराबाई। याद रखिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था। याद रखिएगा 1707 को। ठीक है, 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुआ था और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य के नेतृत्वकर्ता शासक कौन थे? ताराबाई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 11 नंबर। देखिए सवाल क्या पूछा था। सवाल है कि जीमेक्स एक सेनाभ्यास है का संबंध है। तो ये भारत और जापान के बीच है। याद रखिएगा कि जीमेक्स एक सेनाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, ये भारत और जापान के बीच एक सेनाभ्यास है जीमेक्स। नेक्स्ट है पूछा था कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक किस देश से संबंधित है। तो ये भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। याद रखिएगा कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक जो है ये किस देश से संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि डेविस कप संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। याद रखिएगा कि डेविस कप जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा। तो ये दोस्तों कतर में होगा। याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कतर में। और कतर की राजधानी क्या है दोस्तों? तो दोहा। दोहा जो है कतर की राजधानी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, शेयर करना ना भूले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो ये 25 लाख दी जाती है। याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख राशि दी जाती है। पहले दिया जाता था 7.5 लाख रुपये। ठीक है, अब कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है। तो ये जैमिका से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जैमिका एक देश है, जो उसैन बोल्ट उन्हीं वहीं के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो जमैका के। नेक्स्ट है अगला कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा था, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, क्या पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा है आपके सामने कि तसोकर आर्द्रभूमि वेटलैंड किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये लद्दाख से संबंधित है। याद रखिएगा कि तसोकर आर्द्रभूमि वेटलैंड यह
किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? ये लद्दाख से संबंधित है। अगला 20 नंबर सवाल है कि तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्मस्थल कहाँ है? पटियाली यूपी में है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपकी अभी टोटल 20 सवाल करवाया हूँ। ठीक है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा और पार्ट 3 लाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर को। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।